नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सुगर सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक के ऊपर, जो आने वाले टाइम में आपको मल्टी बिगर रिटर्न देने की संभावनाएं रखता है। दोस्तों अभी सुगर सेक्टर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, दोस्तों सारे स्टॉक राइजिंग है, बट ये स्टॉक बहुत ही सस्ता है। FII बाई कर रहा है, इथेनॉल ब्लीडिंग के साथ जुड़ा हुआ स्टॉक है और आने वाले टाइम में जबरदस्त रिटर्न देगा, क्यों उस वीडियो में हम समझते हैं। दोस्तों कल हमने बात किया था रेणुका सुगर का दोस्तों, और आज अपर सर्किट में लॉक इन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला है। यस बैंक में भी तेजी बहुत ही अच्छा चल रहा है, पर दोस्तों टाटा पावर, अदानी पावर, अदानी विलमार बहुत टाइम से दोस्तों भाग रहे थे, अब उनमें लोअर सर्किट लग चुका है। अदानी पावर, अदानी विलमार में और टाटा पावर में भी हल्की सी गिरावट आ चुकी है दोस्तों। और रुचि सोया में दोस्तों कल बोला था कि यहाँ पे सेल तो नहीं करना है, और आज जबरदस्त तेजी बनाई हुई है रुचि सोया में। अब चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की तरफ। तो श्री रेणुका सुगर कल हमने डिस्कस किया था और 20% का रिटर्न आपको मिल चुका है, बिल्कुल लॉक इन फ्रीज हो चुका है श्री रेणुका सुगर अपर सर्किट के अंदर। दोस्तों कल ही बोला था कि ये जो लेवल था बहुत ही बढ़िया तरीके से तोड़ा था, और दोस्तों 35 रुपीज़ के ऊपर रेकमेंड किया था 15 दिन पहले, और आपको बताया था कि रॉकेट बन जाएगा। अब ये जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले आज का, वो दोस्तों वेल्थ क्रिएशन के लिए है, 1-2 महीने के लिए नहीं है। क्यों वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आज देखें तो दोस्तों कल पूरा बिल्कुल ग्रीनरी था, कारोबार अच्छा था, बट आज ऐसा सिचुएशन नहीं है दोस्तों। कुछ जगह पे ग्रीनरी है, कुछ जगह पे दोस्तों नेगेटिविटी भी है दोस्तों, नेगेटिव क्लोजिंग भी आ रही है दोस्तों। अब काफ़ी लोगों का बोलना था कि सुगर सेक्टर के स्टॉक क्यों भाग रहे दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सेप्ट, आप गूगल में सर्च करके कीजिए कि सुगर स्टॉक्स आर स्काई रॉकेटिंग ड्यू टू 2 मेजर रीजन, राइजिंग कॉमोडिटी प्राइजिंग एंड इथेनॉल ब्लेडिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कल ही बताया था दोस्तों इस चीज़ को, इसको थोड़ा सा इलेब्रोट करके समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी जो है वो 8% तक है अभी, और वो आने वाले टाइम में होने वाली है 20% तक। कितना दोस्तों? 20%, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होने वाली है दोस्तों। और ये स्टॉक के प्राइजिंग कहाँ पे जाके रुकेंगे, गॉड्स नो दोस्तों। अब जो मैं स्टॉक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो स्टॉक का नाम है राणा सुगर्स दोस्तों। राणा सुगर का अभी का प्राइस है 37.10 और 3.69 का पीई है दोस्तों, बिल्कुल सस्ता स्टॉक। आप देखिए बनारी सुगर में देखिए, धामपुर सुगर में देखिए दोस्तों, दालमिया भारत, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सबसे सस्ता स्टॉक सुगर सेक्टर का दोस्तों। और बिल्कुल छोटा सा मार्केट कैप है, 569.78 करोड़ का ही मार्केट कैप है राणा सुगर का दोस्तों। ये स्टॉक हमारे चैनल BDP इन्वेस्टमेंट के लिए नया नहीं है दोस्तों, 29.40 का प्राइस था तब मैंने इसको मल्टी वेगर रिटर्न के लिए बाय करने को बोला था। और दोस्तों जब तारीख था तो लास्ट अगस्त में किया था, 6 महीने में दोस्तों बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आए, बट बहुत ही सटीक दोस्तों आपको पैसा बन रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं, ये स्टॉक को मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कैप सबसे छोटा और ये कैश इक्विवेलेंट है 23.4 करोड़ का दोस्तों। कंपनी है 1991 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और स्टॉक का PE 3.74, बुक वैल्यू 27.9, अपनी बुक वैल्यू से बिल्कुल नज़दीक में है। ROCE देखिए दोस्तों 20.4%, ROE 28.5%, फेस वैल्यू 10 का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 का, और PEG रेशियो है 0.10, यानी कि हर पैमाने में दोस्तों फंडामेंटल बेहतरीन है दोस्तों। डेप्ट टू इक्विटी 0.41, बिल्कुल कंट्रोल में है। प्लेज परसेंटेज 0 है, यानी कि सेल्स ग्रोथ जो 5 साल के वो 7.39 है। प्रॉफिट वेराइज 5 ईयर्स 38.5% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स 6.47% है। तो ओवरऑल फंडामेंटल बेहतरीन है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे दोस्तों, तो कंटिन्यूस प्रॉफिट में राइजिंग हुआ है दोस्तों। 2020 में जो था वो लेवल को, प्री कोविड लेवल को भी इन्होंने इस साल में अचीव कर लिया है, और बहुत ही बढ़िया दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार आ रहा है। 142 का नेट प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, और EPS है 9.23 का दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए दोस्तों, 22.64% का प्रमोटर का होल्डिंग है, और FII जो है वो 1.86 से 1.90 किया हुआ है। पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो 73.78 है, वो एक थोड़ी सी रिस्क वाली बात होती है दोस्तों, जब पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा होता है दोस्तों।
अब आ चुके हम चार्ट के ऊपर दोस्तों। चार्ट के ऊपर दोस्तों मैंने आपको मंथली चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। और मंथली चार्ट के ऊपर आपको एक लाइन दिख रही है जो हाई था 39 रुपीज़ का, जो 2006 में बना था, उसी लेवल को दोस्तों तोड़ने की कोशिश जारी है इस स्टॉक के द्वारा दोस्तों। और इस स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है दोस्तों वो है 53 का। वीकली चार्ट के ऊपर हम आ जाते हैं तो दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपके लिए जूम कर रहा हूँ स्टॉक के प्राइस को। और यहाँ पे देखिए देखो कंटिन्यू गुच्छे में दोस्तों रहा था। और स्टॉक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हमारी जो लाइन है वहाँ पे 39 के ऊपर तो एक भी बार क्लोज नहीं आया था। मैक्सिमम जो क्लोज आया था वो 38.30 का था, तो हमने 39 का लेवल कंसिडर किया है। और अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये लेवल को कितने सालों के बाद स्टॉक ने टच किया है। 2021 में 38.30 का जो लास्ट क्लोजिंग हाई था वहाँ पे टच किया। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आज ये वीक में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम दिखाया, बट फिर वहाँ से नीचे गया। अगर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर क्लियर अंदाज आपको आ रहा है कि ये जो लेवल है वहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है दोस्तों। तो जब ये लेवल को पार करता है दोस्तों ये स्टॉक, जब इस लेवल को पार करेगा ये स्टॉक, तब आपको दोस्तों पैसा बनाने के लिए इसमें पैसे डालने हैं। जैसे हमने रेणुका सुगर में देखा था दोस्तों कि जो लेवल टूटा 37-38 का और उसके बाद जो बूस्टअप मिला स्टॉक को, आज दोस्तों अपर सर्किट में क्लोज हुआ, कल भी अपर सर्किट में क्लोज हुआ। तो आपको उसी जगह पे दोस्तों बाय करना है जहाँ पे आपको पता चले कि ये स्टॉक जो है ये इसके बाद रुकने वाला नहीं है, तो आपको शॉर्ट टर्म में भी मुनाफा मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों काफ़ी दोनों पिछले दो दिन से सारा सुगर सेक्टर दोस्तों फोकस में है, तो ये स्टॉक भी दोस्तों कहीं पीछे नहीं छूटा है। यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम चल रही है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बाय करके चलना है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकता है। और जो उसका छोटा सा हाई था दोस्तों, जो रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ दिया है और बढ़िया वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। तो यहाँ पे कब रुकेगा दोस्तों तो वो नहीं बोलना जाता, बट यहाँ पे थोड़ा वेट करो, यहाँ पे बाय करने का कोई जल्दी मत करो दोस्तों। एक बार ये लेवल टूटेगा तो फिर अपने आप ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एनिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन में, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।